प्रोग्राम सिख इतिहास की महान गाथा विच आप जी का निघा स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो अज की सिख गाथा श्री दरबार साहब अमृतसर विच बिजली का कनैक्शन लगन नाल संबंधित है। इस प्रोग्राम के अखीर विच एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका सब तो पहला ठीक जवाब देने वाला दर्शक होगा साढ़े इस प्रोग्राम का विजेता, तो उसनों दिता जाएगा साढ़े स्पॉन्सर्स वालों आकर्षक इनाम। सिख इतिहास के प्रचार के प्रसार वास्ते इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है कुंवर जपिंदर सिंह जी, सीनियर BJP लीडर देहरादून उत्तराखंड ने। आप जी ने प्रोग्राम पूरा सुनना है, तो नाल ही साढ़े यूट्यूब, डेली मोशन, फेसबुक पेजस नू सबसक्राइब, लाइक ते फॉलो भी जरूर कर देना जी। तो आओ हुण करिए अज दे इतिहास दी विचार। बरतानिया दी राणी विक्टोरिया दी हकूमत दे अगस्त 1897 विच 50 साल पूरे हो गए सन, ते इस दी खुशी विच विश्व भर विच गोल्डन जुबली दे जश्न मनाए जा रहे सन। जिथे जिथे भी उस वेले ब्रिटिश हकूमत सी, उन्हां सारियां जगह ते ही महाराणी दे इस गोल्डन जुबली राज दे जश्न मनाए जा रहे सन, जिस संबंध विच भारतीय राजियां ने भी दिल खोल के जश्न मनाउणे शुरू कर दित्ते सन। अते याद रहे कि उन्हां दिनां विच पंजाब भी वख-वख रियासतां विच वंडिया होया सी, ते सारियां रियासतां अंग्रेज़ हकूमत दे अधीन सन, ते इस लई उन्हां दी मजबूरी सी कि अंग्रेज़ हकूमत दे नाल किसी ना किसी तरीके वफादारी निभाउणी ही पैणी सी, ते इस काम विच ओह कसर भी कोई बाकी नहीं छड्ड रहियां सन। इसे ही खुशी विच फरीदकोट के राजे बिक्रम सिंह ने श्री दरबार साहब अमृतसर विच बिजली का कनैक्शन लगाउण वास्ते 25,000 रुपए और गुरु का लंगर निरंतर चलता रखने वास्ते 1,00,000 रुपए भेंट किए सन। इसे माया नाल ही अज दे दिन 1897 ईस्वी में दरबार साहब अमृतसर विच दीवियां ते जोतां दी थां बल्बां दी रोशनी ने लै लई सी, अते श्री दरबार साहब अमृतसर इन्हां बल्बां दे नाल जगमग जगमग करन लग पिया सी। इह एक सुभाविक वर्तारा है कि जदों भी कितें कुछ नवां ते उसारू हुंदा है तां उसदा विरोधी पार्टियां विरोध जरूर करदियां हन, ते धर्म विच तां इह परंपरा बहुत ही ज़्यादा पुरानी ते परपक्क है कि धर्म दे विच बदलाव नूं बहुत जल्दी नहीं कबूलिया जांदा। धर्म दे विच परंपरा हमेशा ही परिवर्तन का विरोध करती है, तो जबरदस्त विरोध करती है। यह सिलसिला कोई अज तो ही नहीं, सदियों तो चलिया आ रहा है, क्योंकि धर्म दे विच परिवर्तन ना होने कारण ही गुरु नानक साहब जी महाराज नूं जिहड़ा वो सिख धर्म चलाउणा पिया सी। और मैं इत्थे एक गल कह देवां कि सिख धर्म परंपरावादी नहीं परिवर्तनवादी है, और सिख धर्म दे विच नवीआं चीज़ां दे वास्ते स्थान है, इत्थे लकीर दे फकीर बन लई कोई भी थां नहीं। परंतु बाकी धर्मां दे विच हालत उल्टी सी, परंतु सारे ही धर्म समा पा के परिवर्तन विरोधी हो जांदे है। इह इसे तरह ही हुंदा है कि जिस तरह एक बच्चा परिवर्तन का हामी हुंदा है, बच्चा हर रोज़ कुछ ना कुछ नवां चाहुंदा है, परिवर्तन चाहुंदा है, पर बंदा ज्यों ज्यों बुढ़ा हुंदा जांदा है फिर वो परंपरावां विच बजदा जांदा है, ते परिवर्तन दे मुताबक उसनूं चेंज होना बहुत मुश्किल हो जांदा है, क्योंकि उहदी सोच पक चुकी हुंदी है। यह सिर्फ साढ़े ही सुभा का नहीं, ये साढ़े सुभा करके धर्मां दे विच भी चीज़ां चलदियां है, और बुढ़े परिवर्तनवादी घट हुंदे ने, और यह वर्तारा चलता रहिंदा है। तो इत्थे भी जदों दरबार साहिब विच बिजली दे बल्बां द्वारा रोशनी करन दी गल शुरू होई तां अजिहा विरोध जिहड़ा सी ओह इत्थे भी होया। और मैं एक होर भी गल कह देवां कि जो परंपरावादी हुंदे ने ओह पुरानियां चीज़ां नूं ही पहल दिंदे ने, ते नवीआं चीज़ां दा हमेशा विरोध करदे आ। इह विरोध जदों इत्थे गड्डियां चलियां सन, रेल गड्डियां, उदों भी अजिहे लोगां ने, रूढ़ीवादी लोगां ने विरोध कीता सी। उहनां ने इह कहा सी कि रेल गड्डियां दे इंजनां चों इन्ना धुआं निकलदा है, इहदे नाल तां सारे ही पंछी मर जाणगे, बहुत वड्डा पाप होवेगा, और इस लई इह रेल गड्डियां नहीं चलनियां चाहीदियां। ते जदों जहाज़ बनाया गया सीगा, उस वेले भी जहाज़ बनाउण वेले भी इहो जे जिहड़े परंपरावादी सी उन्हां ने बहुत वड्डा जबरदस्त विरोध कीता सी। उन्हां दा कहना सी
कि यह परमात्मा के हुक्म विच दखलअंदाजी है। जे किते इंसान ने आकाश विच उड़ना हुंदा ते रब इहनू पंख लगा दिंदा, जे रब ने पंख नहीं लगाए इसनू उड़न दे वास्ते रब ने शक्ति नहीं दित्ती तां फिर इह विज्ञानी कौन हुंदे है जो इंसान नू उड़न दी शक्ति बख्शन। मेरे ख्याल दे विच परंपरावादी हुंदे है जिहड़े ओह सदा ही इह विरोध करदे रहिंदे ने। नवीआं चीज़ां दा विरोध करना इह धर्म दा एक मैं कह लवां कि ठहरावादी पक्ष है कि धर्म विकास नू जल्दी नहीं लैंदा। परंतु ऐसा विरोध उस वेले भी किया गया सी जब दरबार साहब अमृतसर दे विच बिजली लगनी शुरू हुई सी। उस वेले भी जो परंपरावादी सन उन्होंने कहा सी कि यह बिजली दी तार किते नंगी रह गई, इत्थे बंदे मर जाया करनगे, रोज़ पता नहीं किन्ने क बंदे करंट लग के मरिया करनगे। इस तरह दीयां गल्लां उदों भी होईयां सन ते जदों साउंड सिस्टम दरबार साहब च लगन दी गल आई सी उदों भी इस तरीके का विरोध किया गया सी। उन्हां दिनां विच भावें खेम सिंह बेदी नूं अंग्रेज़ सरकार का पक्का वफादार समझिया जांदा सी, पर उसदे साथियों ने महाराजा दलीप सिंह की हमायत करके अपने लिए एक मुसीबत मुल ले ली सी ते हुण उह अंग्रेज़ां दीयां नज़रां दे विच बागी सन ते इस करके खेम सिंह बेदी धड़े नूं सरकारी बैठकां दे विच हुण कोई भी मंजूरी नहीं सी और उत्थे बैठना दखलअंदाजी उन्हां दी बंद कर दित्ती गई सी। ते इन्हां दिनां दे विच ही इह चर्चा चल रही सी कि दरबार साहिब विच बिजली लगाई जावे, जिस वास्ते दो धड़े सन उस वेले जो बने हुए दो सिंह सभा दे धड़े सी। एक अमृतसर का धड़ा सी जो एक कनैक्शन लैन के हक विच सी ते दूसरा धड़ा लाहौर धड़ा सी जो इस कनैक्शन के विरोध के विच खड़ा होया सी। पर इसे ही धड़े दे महाराजा बिक्रम सिंह ने ऐलान कर दिता सी कि ये दरबार साहब विच बिजली का कनैक्शन हर हालत विच लगेगा ते इस ते जिन्ना भी खर्चा आएगा वह सारा खर्चा रियासत फरीदकोट वल्लों कीता जाएगा। ता ही तां महाराजा बिक्रम सिंह ने इस काम दे वास्ते 25,000 रुपए दिते सन। अज सिर्फ इन्ना ही ते हुण कल पुछेगा सवाल का ठीक जवाब है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ते हमला करन वाले दो पठान भरा पेंदे खान दे पोते सन। ये ठीक जवाब सानू सब तो पहला भेजा है रोहित हिमनानी जी ने गीता नगर सोलापुर महाराष्ट्र तो ते ने साडे अज दे प्रोग्राम दे विजेता ते इन्हां नू भेजा जा रहा साडे स्पॉन्सर्स वल्लों आकर्षक इनाम। सिख इतिहास के प्रचार ते प्रसार वास्ते इस प्रोग्राम नू स्पॉन्सर किया है कंवर जपिंदर सिंह जी सीनियर BJP लीडर देहरादून उत्तराखंड ने। ते हुण अज दा सवाल है श्री दरबार साहब अमृतसर विच बिजली लगवाउण लई रकम किसने दित्ती सी। इस सवाल का सब तो पहला ठीक जवाब भेजन वाला दर्शक होगा साढ़े इस प्रोग्राम का विजेता अते उसनू दिता जाएगा साढ़े स्पॉन्सर्स वालों आकर्षक इनाम। तुसी अपना सवाल सानू साडे मोबाइल नंबर 88376-90192 ते भेज सकते हो। जेकर आप जी भी सिख इतिहास का प्रचार ते प्रसार चाहते हो तो इस प्रोग्राम की स्पॉन्सर सेवा ले सकते हो। वधेरे जानकारी लई साडे नाल संपर्क करो 88376-90192 ते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।